नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन पायोनिया। पायोनिया शोस एन यूनिक एम्ब्रियोजेनी विथ इट्स यंग जायगोट फर्स्ट बिकमिंग सिनोसाइटिक, देन द सेल फॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम इट्स पेरिफेरी। ठीक है, पायोनिया जो है उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस मतलब एम्ब्रियोजेनी सबसे अलग होता है, यूनिक होता है, क्योंकि इसका जो यंग जायगोट है वो पहले सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक मतलब क्या, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद जो सेल फॉर्मेशन होता है वो बिगिंस होता है कहां से, शुरू होता है कहां से, पेरिफेरी से शुरू होता है। द एम्ब्रियो इनिशियल्स डेवलप फ्रॉम सम ऑफ द पेरिफेरल सेल्स। एम्ब्रियो इनिशियल्स जो है वो कुछ पेरिफेरल सेल्स से डेवलप होते हैं। द सिनोसाइटिक फेज ऑल्दो कॉमन इन द जिम्नोस्पर्म्स इज एल्सवेयर विद इन द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, मतलब जो सिनोसाइटिक फेज है इसका यूनिक वाला फीचर वो केवल जिम्नोस्पर्म्स में सीमित नहीं है, ये एंजियोस्पर्म्स में भी दिखा जाता है। द सीड्स इन पायोनिया आर एरिलेट एंड फ्रूट ए फॉलिकल, वाइल इन रानुनकुलासी द सीड्स आर नॉन एरिलेट एंड द फ्रूट्स इज एन एकिन। मतलब क्या है, पायोनिया में जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, मतलब एरिलेट होते हैं। ठीक है, और फॉलिकल मतलब कवर्ड होते हैं। वाइल इन रानुनकुलासी द सीड्स आर नॉन एरिलेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के नहीं होते हैं सीड्स जो है वो सिंगल कलर के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के नहीं होते हैं। एंड द फ्रूट्स इज एन एकिन। ठीक है, एकिन मतलब क्या है, एकिन मतलब वन सीडेड फूड। ओके, द एम्ब्रियोलॉजिकल डिटेल्स दस सजेस्ट दैट द पायोनिया बिलोंग्स टू एन इंडिपेंडेंट फैमिली पायोनियासिएसी। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर देख रहे हैं इसका पायोनिया का, ठीक है, इसीलिए हमें क्या मतलब कंक्लूजन क्या है कि ये जो पायोनिया है वो एक इंडिपेंडेंट फैमिली से बिलोंग करता है, और फैमिली क्या है, पायोनियासी। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू होता है, सॉरी यहाँ पे खत्म होता है मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और शेयर भी कर लेना, क्योंकि किसी और को भी फायदा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।